रशीदा, देखो मैंने क्रेटा खरीदी है और जैसे आप मुझे सिखाते रहते हो ना, तो लोन लेके नहीं खरीदी है, अपने पैसों से पैसों को जमा करने के बाद कैश पे खरीदी है। इसलिए मैं कहती हूँ एंटी गोल बेस्ड सेविंग करो। एंटी गोल बेस्ड सेविंग वो क्या होता है? एंटी गोल बेस्ड सेविंग का मतलब होता है सेविंग फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग, ना कि फॉर द पर्पस ऑफ आईफोन या वॉल्टर और एनीथिंग। देखो जैसे कि कोविड में इतने लोगों की जॉब चली गई, कभी वॉर हो गया, कहीं अर्थक्वेक हो गया, टेक्नोलॉजी कंपनीज ने इतने लोगों को निकाल दिया, इतनी सारे लोगों की जॉब्स चली गई, ये सब इवेंट्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के हैं। दिस शोज कि हमारी लाइफ कितनी ज्यादा अनसर्टन है, कितनी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। अगर आपके पास कुछ सेविंग्स होंगी जिनका कोई पर्पस नहीं होगा, तो आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स होंगे, वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, आपके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, आपको टाइम का फ्रीडम देंगे। तो इसलिए एंटी गोल बेस्ड सेविंग्स बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही समझाया।